नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल विलेज कुकिंग अंकल में। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बेसन के बहुत ही कहे तो टेस्टी सब्जी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, और चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। ले लिए बर्तन में बेसन, जितना बनाना होगा उतना आप बेसन ले लीजिएगा। और बेसन ले लिए, बेसन में डाल दिया आधा चम्मच के करीब हम हल्दी, और हल्दी पाउडर हम अच्छे से मिला लेंगे। सिर्फ हल्दी पाउडर ही डालेंगे और कुछ नहीं डालेंगे, और बेसन में अच्छे से मिला लेंगे। मिला लिए, अब इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी। हम डालकर बेसन को अच्छे से घोलेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो बेसन अच्छे से घुरा जाएगा और बेसन में गुठली भी नहीं होगा। देखिए बेसन हम घोल लिए, और बेसन देखिए आराम से यानी अच्छे से गिर जा रहा है। इतना ही पतला बेसन घुरना है, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। बेसन को अब हम ढक देते हैं। बेसन के सब्जी में डालने के लिए मसाला लिए हैं, लाल मिर्च, जीरा, काली मिर्च, लहसुन ले लिए एक जवा, हल्दी ले लिए, धनिया। अब मसाला हम पीस लेते हैं। मसाला को अब हम पूरा में ही पीस लेंगे अच्छे से। मसाला पीस लिए पूरा में ही, और मसाला अब हम उठा लेते हैं। चूल्हा पे हम तवा रख दिए, तवा में अब तेल लगा लेते हैं। तेल डाल दिए, और तेल को अच्छे से तवा में चारों तरफ फैला लेंगे। हम चारों तरफ तेल फैला लिया, अब इस पे बनाएंगे यानी बेसन का पापड़। और बेसन भी अच्छे से सेट हो गया है। बेसन हम डाल देते हैं तवा पे। डाल दिए, अब गोल बना लेंगे। करछुल के पेनी से ही आराम आराम से गोल बना लेंगे, और अच्छे से पकाएंगे तब पलटेंगे। देखिए पापड़ पक गया, अब हम पलट लेते हैं। थोड़ा थोड़ा यानी छोलनी से आराम आराम से छुड़ा लेंगे और पलटेंगे। तीन भाग मोड़ेंगे, तो देखिए एक भाग मोड़ दिए, और एक भाग और मोड़ लेंगे। दोबारा से आराम आराम से छुड़ाएंगे। छुरा लिया और पलट लेते हैं। देखिए पलट लिए, और अच्छे से थोड़ा सा तेल लगा देंगे और अच्छे से पकाएंगे। थोड़ा सा तवा में यानी पकड़ लिया था, तो थोड़ा सा तेल लगा देंगे तो अच्छे से पक जाएगा। तेल लगा दिया और अलट पलट कर अब अच्छे से पकाएंगे। दोनों तरफ अच्छे से अलट पलट पका लेंगे तब हम निकालेंगे। दो तीन बार यानी अच्छे से पका लिए, और पापड़ अब हम निकाल लेते हैं। और देखिए कितना मस्त बनकर तैयार हो गया। बाकी दोबारा हम डालकर बना लेते हैं सभी पापड़। देखिए हम सभी पापड़ बना लिए, और लास्ट बचा हुआ है, और पलट लेते हैं और अच्छे से पका लेंगे। देखिए हम सभी बेसन के पापड़ बना लिए और निकाल लेते हैं। और देखिए बनकर तैयार हो गया। कढ़ाई में अब हम डाल देते हैं सरसों का तेल सब्जी बनाने के लिए। तेल डाल दिए, अब तेल को अच्छे से गरम करेंगे। तेल गरम हो गया, तेल में डाल देते हैं एक तेजपात तोड़कर। तेजपात डाल दिए, अब इसी में डाल देते हैं एक कटा हुआ प्याज, और प्याज को भी अच्छे से लाल करेंगे। प्याज हम काट कर डाले हैं, आप चाहे तो यहाँ पर प्याज पीस कर भी डाल सकते हैं यानी ग्रेवी बनाकर। प्याज डाल दिए, प्याज को अब अच्छे से भूनेंगे। प्याज को अच्छे से अब लाल करेंगे, और पापड़ रख दिए हैं ठंडा होने के लिए। पापड़ ठंडा हो जाएगा तब काटेंगे। और देखिए अभी प्याज भून लेते हैं अच्छे से। प्याज अभी लाल हो रहा है, तब तक हम चार हरा मिर्च ले लिए हैं। हरा मिर्च को फाड़ लेते हैं और डाल देंगे इसी प्याज में ही। हरा मिर्च भी भून लेंगे डालकर। डाल देते हैं, चार लिए हैं, चार डाल दिए। बहुत ही अच्छा सब्जी यानी कहे तो टेस्टी होता है हरा मिर्च डालने से। और प्याज में ही हरा मिर्च हम अच्छे से भून लेंगे। प्याज अच्छे से लाल कर लिया, और मिर्च भी भून लिया। मसाला डाल देते हैं पीसा हुआ। मसाला डाल दिया, और मसाला को अब अच्छे से भूनेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, पानी डालकर भूनेंगे मसाला हम अच्छे से। मसाला में हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। नमक डाल दिया, और नमक को भी अच्छे से मसाला में मिला लेंगे, और अच्छे से मसाला हम भूनेंगे। ये
एक टमाटर ले लिए सब्जी में डालने के लिए, और मसाला में ही हम टमाटर डाल देंगे। तो टमाटर हम पूरा मेही में ही काट लेते हैं और डाल देंगे। बेसन के सब्जी में टमाटर डालने से बहुत ही अच्छा सब्जी टेस्टी लगता है। आप चाहे तो टमाटर की जगह यानी दही भी डाल सकते हैं, दही डालने से भी अच्छा लगता है। तो देखिए हम टमाटर काट लेते हैं पूरा मेही में ही। टमाटर काट लिए और टमाटर को भी मसाला में डाल देते हैं। डाल दिए मसाला में, अब अच्छे से मिला लेते हैं। मसाला भून लिया और मसाला में अब हम पानी डाल देते हैं और मसाला अच्छे से मिला लेंगे। रासा हो गया, अब रासा खोलेगा जब तब इसमें हम बेसन का डालेंगे काट कर। अब रासा हम खोला लेते हैं अच्छे से। देखिए बेसन का पापड़ ठंडा हो गया, अब काट लेते हैं। एक में तीन टुकड़ा काट लेंगे और रासा भी अच्छे से यानी मसाला खोल गया है तो अब डालेंगे और काट लेते हैं। बड़ा बड़ा ही काटेंगे और अच्छे से रासा में डालकर पकाएंगे। और बेसन के पापड़ का सब्जी कितने लोग खाना पसंद करते हैं आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और देखिए अभी हम सभी काट लेते हैं। देखिए रासा खोल गया, अब इसी में एक एक करके डाल देते हैं और अच्छे से पकाएंगे। सभी हम डाल देते हैं। डाल दिया, अब अच्छे से चला लेते हैं। थोड़ा सा ही चलाएंगे, ज़्यादा नहीं। अब अच्छे से मिला लिए, अब ढककर अच्छे से पकाएंगे। अब ढक देते हैं। देखिए सब्जी बनने लगा, और थोड़ा सा और गाढ़ा यानी रासा कर लेंगे तब उतारेंगे। और देखिए कितना मस्त यानी बेसन का है तो पक गया है। ये सब्जी बनकर तैयार होगा। सब्जी में थोड़ा सा धनिया के पत्ती डाल देते हैं और अब सब्जी उतार लेंगे, रासा वाला बनाएंगे चावल से खाने के लिए। डाल दिए, अब उतार लेते हैं। तो दोस्तों आज हम बनाए बेसन का सब्जी जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। कहें तो बेसन का सब्जी यानी मछली की तरह लगता है। और सब्जी हम बना लिए और खाना निकाल लिए और देखिए यहाँ पे ले लिए। चलिए टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा बना हुआ है और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो दोस्तों आज हम बनाए बेसन का सब्जी और खाए बहुत ही टेस्टी लगा, यानी सब्जी कहे तो बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ था। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो का लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।